सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, अगर आप पे नियर बाई यूज़ करते हैं, पे नियर बाई का रिटेलर हैं, तो आपको बता दूं कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन कभी फेल्ड होता होगा। जो फेल्ड होता है उसका 15 कारण है, और क्या क्या कारण है आपको स्टेप बाई स्टेप आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप कभी ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो किस कारण से आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है और कौन कौन से 15 कारण हैं जिससे ट्रांजेक्शन फेल होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। सो गाइस, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो 15 कारण हैं आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड होने का, जो ईयर होता है आपका ट्रांजेक्शन में, उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह से बच सकते हैं, आपको क्या करना होगा, और जो 15 कारण हैं वो क्या क्या कारण है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, साथ में शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सिंपली यहाँ पर आपको पे नियर बाई ओपन करना होगा। तो यहाँ पर पे नियर बाई ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद हमें कुछ यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ एक अलर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें कि आपको बताया गया है 15 कारण जिससे कि आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है। सो गाइस देखिए यहाँ पर अलर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, मनी ट्रांसफ़र संबंधित 15 एरर मैसेज और उनके समाधान। तो आप यहाँ पर सारा डिटेल देख सकते हैं, जो कि आप ट्रांजेक्शन करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें जो एरर आता है जिसकी वजह से यहाँ पर फेल्ड होता है आपका मनी ट्रांसफ़र, ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है, उसका 15 कारण यहाँ पर है और उसका समाधान भी यहाँ पर है। उसको सिंपली जानने के लिए यहाँ पर देखिए, नीचे में डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से एक ब्राउज़र चूज़ कर लेना, मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद एक साइट ओपन होगा, उसमें से आप एक इमेज डाउनलोड कर लेना। देखिए यहाँ पर इमेज का डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो गाइस, हमारा इमेज डाउनलोड हो गया, और यहाँ पर देखिए इमेज डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर इस तरह के इंटरफेस आ गए हैं, और यहाँ पर लिखा है मनी ट्रांसफ़र संबंधित 15 एरर मैसेज और उनके समाधान। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, आप भी जाकर डाउनलोड कर लेना जैसे बताए हैं उसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं आपको पढ़कर बता सकता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। आप अपना इमेज डाउनलोड करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें कुछ पॉइंट बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर 15 तरह के ट्रांजेक्शन एरर के संबंधित प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया गया है, उसके बाद उसका समाधान भी बताया गया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, और देखिए बैंक पहला नंबर पर यहाँ है। बैंक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण कलेक्शन टाइम आउट हो गए हैं, और अनुरोध नहीं भेजे जाने के कारण कलेक्शन टाइम आउट हो गए हैं। जो आप कलेक्शन करने का टाइम, कुछ भी आपका टाइम आउट हो जाता है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है, उसके बारे में बताया गया है, और उसके समाधान यहाँ पर दिखाया गया है। यदि ट्रांजेक्शन की स्टेटस संबंधित है या फिर कोई ट्रांजेक्शन शुरू करने से पहले 4 घंटे के बाद स्टेटस की जाँच करें तो पुनः प्रयास करें और एक नया ट्रांजेक्शन शुरू करें। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अब नया ट्रांजेक्शन शुरू कर सकते हैं, बार बार ट्राई ना करें, उसके बाद रिफ्रेश करके एक नया ट्रांजेक्शन शुरू कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर इसका कारण दिखाया गया है कि बेनिफिशियरी के खाते का डिटेल्स अमान्य है। जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका खाता अमान्य होता है, तो वहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो सकता है। और उसका यहाँ पर समाधान दिया गया है कि दर्ज किए गए बेनिफिशियरी के डिटेल्स की जाँच करें और पुनः प्रयास करें, आप उसे पुनः प्रयास करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तीसरा नंबर पर यहाँ पर लिखा है डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट की गई थी। तो यहाँ पर डुप्लीकेट आईडी जनरेट किया गया था जिसके कारण आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो सकता है, और उसका समाधान है रिपोर्ट कलेक्शन में ट्रांजेक्शन स्टेटस की जांच करें, रिपोर्ट में प्रतिबंधित नहीं होने के कारण फिर से ट्रांजेक्शन शुरू करें, आप दोबारा से ट्रांजेक्शन शुरू कर सकते हैं इसका स्टेटस जाँच करके। और चौथे नंबर पर यहाँ लिखा है बेनिफिशियरी खाता INR स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पर बेनिफिशियरी खाता जो कि है NRI स्वीकार नहीं करता है, जिसके कारण आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है। और उसका समाधान लिखा है कि यहाँ पर
NRE खाता धारक हैं, ट्रांजैक्शन केवल वैध INR खाते के लिए किया जा सकता है। उसके लिए आप नया ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है बैंक सर्वर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो सर्वर यहाँ पर एरर के कारण आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि कुछ समय बाद आप पुनः प्रयास कर सकते हैं, सर्वर नहीं होता है तो उस समय आप ट्रांजैक्शन ना करें, बाद में फिर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो आपको मनी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा है संबंधित बैंक ट्रांसफ़र की सीमा तक पहुँच गया। अगर आपका सीमित समय ज़्यादा हो जाता है तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, जितना लिमिट होता है उतना ही ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद अपने ग्राहक समाधान लिखा है, अपने ग्राहक को कल वापस आने के लिए कहें, तो ट्रांजैक्शन फेल नहीं होता है, उसका टाइम आउट हो जाता है तो आप उसे दोबारा बुला लेना है दूसरे दिन, लेकिन उसी दिन ना करें। उसके बाद लिखा है सिस्टम एरर के कारण ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाता है, तो सिस्टम में जो एरर होता है, आपका सिस्टम जो यूज़ करते हैं उसमें एरर होता है तो आप नहीं कर पाते हैं, तो उसका समाधान में लिखा है कि कुछ समय बाद पूरा प्रयास करें। अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप बाद में प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसी समय प्रयास ना करें। बैंक खाता का डिटेल अमान्य है, तो देखिए कई प्रकार के खाता होता है जिसमें उसका डिटेल अमान्य होता है, खाता नंबर में एरर होता है जिसके कारण ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो उसमें समाधान लिखा है कि दर्ज किए गए डिटेल्स की जांच करें और फिर से प्रयास करें, जो डिटेल ठीक से नहीं होता है उसे आप दोबारा से प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है तकनीकी खराबी, जो तकनीकी खराबी होता है उससे आपका ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए फिर से प्रयास कर सकते हैं, पूरा डिटेल करके जो तकनीकी प्रॉब्लम होता है उसका समाधान करके आप पुनः प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद फिर से तकनीकी खराबी लिखा है, यहाँ आप फिर से वही इच्छा है कि आप इसे ट्रांजैक्शन करने के लिए फिर से प्रयास कर सकते हैं उसका स्टेटस जानकर। उसके बाद एक और प्रॉब्लम बताया गया है यहाँ पर कि बेनिफिशियरी का खाता स्थायी रूप से निष्क्रिय है। कई प्रकार के खाता धारक आते हैं जिसका खाता ब्लॉक होता है, उसका खाता निष्क्रिय होता है, जिसमें कि वो आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र नहीं होता हो पाता है, इसलिए यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है। तो उसके समाधान में यहाँ पर लिखा है दर्ज किए गए डिटेल की जांच करें और फिर से प्रयास करें, तो आप चेक कर लेना कि उसका खाता सही है या नहीं है, या फिर उसका खाता ब्लॉक है कि निष्क्रिय है करके उसके बाद आप प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर बताया गया है कि ग्राहक अपनी दैनिक ट्रांसफ़र सीमा तक पहुँच गए हैं, तो जो सीमा होता है जैसे कि 10,000 तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, किसी प्रकार में आप 10,000 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, किसी खाता में आप 10,000 तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर 10,000 का लिमिट है उसके बाद आप करेंगे तो यहाँ पर नहीं हो पाता है। इसके लिए आप यहाँ पर समाधान बताया गए हैं कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है 25,000 तक दैनिक सीमित होता है ट्रांजैक्शन का, उसे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो उसे लिमिट बढ़ाने के लिए आपको पुनः प्रयास करना होगा और KYC करना होगा जिससे कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और 15 नंबर पर जो कि लास्ट आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड होने के कारण है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियरी ये बैंक में ट्रांजैक्शन को अस्वीकार कर दिए गए हैं, और इसका समाधान यह है कि दर्ज किए गए डिटेल्स की जांच करें और पुनः प्रयास करें, आप उसका जांच करके पुनः प्रयास कर सकते हैं जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो कई जो पिन नियर बाय में आप वर्क करते हैं जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है उसका 15 कारण बताया गए हैं, जिसका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल बता दी है कि किस कारण से ट्रांजैक्शन होता है, उसका समाधान कैसे करना है, उसमें क्या क्या आपको करना होगा, सारा कुछ डिटेल मैं बता दिया हूँ। तो आप इसी तरीके से अपना जो ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है उसका समाधान जान सकते हैं, किस तरह से ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है, किस तरह से नहीं होता है, आपको क्या करना होगा उसका पूरा डिटेल आप जान सकते हैं, जो कि मैंने अभी 15 वजह बताए हैं और 15 समाधान बताए हैं, उसी तरह आप भी उसे डाउनलोड करके सारा डिटेल जान सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं। जिससे कि आप पेनी रुपये का यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जो बैलेंस ट्रांजैक्शन करते हैं वो कभी फेल्ड नहीं होगा, और फेल्ड होगा तो आप उसे स्पष्ट रूप से जान सकेंगे और उसे ट्रांजैक्शन करने से आप बच सकते हैं। तो उसी तरीके से आप भी इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं डिटेल्स, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है इमेज, अभी भी आप इमेज देख रहे हैं, इसमें लिखा है मनी ट्रांसफर संबंधित 15 एरर मैसेज और उसके समाधान, तो मैंने सारा कुछ डिटेल आपको बता दिया है, जाकर आप इसे डाउनलोड करके इसका डिटेल जान सकते हैं और उसका 15 जो वजह दिए गए हैं उसे पढ़कर आप उसी तरीके से ट्रांजैक्शन का वर्क कर सकते हैं, आपका ट्रांजैक्शन कभी भी फेल्ड नहीं होगा। सो गाइस, आप मनी ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका कारण बता दिया, जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है उसका कारण बता दिया और उसका समाधान में भी बता दिया, और मैंने पे नियर बाय से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है कि आपको कैसे बैलेंस चेक करना है, कैसे करके विड्रॉ करना है,
आप बहुत सारा मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा पेन ईयर बाइक से रिलेटेड, तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना, साथ में शेयर कर देना, और चैनल बढ़ने तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं।